देश की राजधानी दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल की पार्टी के एक विधायक है जिनका नाम है अमानतुल्ला खान। ये वो नाम है जो आए दिन अपने विवादित बयानों के कारण चर्चाओं में रहते हैं, या यूं कहें कि इनका विवादों से गहरा नाता है। कुमार विश्वास से झगड़े की बात हो, या फिर दिल्ली दंगों की, या फिर यति नरसिंहानंद को धमकी देने को लेकर अमानतुल्ला खान विवादों में रहे हैं। इस बार देश में फैले जानलेवा ब्लैक फंगस को लेकर किए गए ट्वीट की वजह से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला चर्चाओं में बने हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर के साथ साथ ब्लैक फंगस भी तेजी से अपने पैर पसार रहा है, जो लोगों की जान तक ले रहा है। इसी जानलेवा बीमारी को लेकर आप विधायक अमानतुल्ला खान साहब ने एक ट्वीट कर दिया, ऑरेंज फंगस ही बाकी दूसरे फंगस की जड़ है। अमानतुल्ला खान ने अपने इस ट्वीट में किसी का नाम तो नहीं लिया, पर बड़े ही चालाकी से उन्होंने भगवा पर तंज कस डाला। जी हाँ, लोगों का मानना है कि अमानतुल्ला का ये ट्वीट भगवा समर्थक बीजेपी पर तंज कसता है। अमानतुल्ला ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी ही इस फंगस की जड़ है। सोशल मीडिया में इस बात को लेकर हंगामा हो गया है। यूजर्स अमानतुल्ला को ट्रोल कर रहे हैं। अमानतुल्ला ने अपने ट्वीट में ऑरेंज शब्द का इस्तेमाल किया, तो वहीं सोशल मीडिया पर ऑरेंज कलर की दाढ़ी रंगवाए लोगों की फोटो शेयर की जाने लगी। एक यूजर्स ने ऑरेंज कलर की दाढ़ी रखे लोगों की कुछ फोटो शेयर करते हुए लिखा, आपने सही फरमाया। एक दूसरे यूजर्स ने केजरीवाल की फोटो शेयर करते हुए लिखा, यही फंगस ना। एक और यूजर्स ने लिखा, सही बात है, अगर ऑरेंज ने पहले से ध्यान दिया होता तो ग्रीन फंगस आता ही नहीं और दुनिया तबाही की ओर नहीं बढ़ती। अमानतुल्ला खान को यह विज्ञान भी समझाया गया कि ब्लैक फंगस होता क्या है। यूजर्स ने बुरखा पहनी कुछ महिलाओं की फोटो शेयर करते हुए लिखा, ब्लैक फंगस। इसी यूजर्स ने एक और फोटो शेयर करते हुए लिखा, वाइट फंगस। अमानतुल्ला के इस विवादित ट्वीट ने फिर से राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। बीजेपी नेता रोहित चंचल ने अमानतुल्ला को टैग करते हुए लिखा, ग्रीन फंगस पूरी दुनिया में आतंकवाद की जड़ है। ऑरेंज फंगस की बात करने वाले आप विधायक अमानतुल्ला को सोशल मीडिया पर पूरा देश की जनता ने धो डाला।